अहमद लैंड केस की जानब से मेंडर से बोल रहा हूँ। हमने एक अतजाजन धरना आज सब डिवीजन पीएचई दफ्तर मेंडर में पुरअमन तौर पर किया है। हमने ये धरना इसलिए दिया है कि सरकार ने हमारी लिए दिवाली के पैकेज के लिए तनख्वाह हमारी वागजार की, वागजारी का पैसा कम था और ये तनख्वाह जो है 24 दिन की बन रही थी। और इन्होंने क्या किया कि तहसील सुनकोट वालों को जितने भी पीएचई के विंग हैं उनको दे दी, मंडी वालों को दे दी, पुंछ प्रॉपर वालों को दे दी और जो मेंडर के लैंड केस थे वाले हैं उनको इन्होंने उसमें से बाहर रखा। हम ये सरकार से गवर्नर इंतजामिया से ये मुतालबा करते हैं कि हमारी सैलरी जो आई थी वो हमें इन्होंने क्यों दी, जिन्होंने हमारी सैलरी के साथ हमारी सैलरी जो है वो काट कर इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर और सीपी वर्कर को दे दी और हमें उससे इन्होंने बाहर कर दिया। हम ये इसका ये इंक्वायरी जो है वो गवर्नर इंतजामिया से और मुलाजमीन सरकार से चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। मेरा नाम मोहम्मद रशीद, मैं तहसील मेंडर से लैंड केस पीएचई डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। हमने आज पुरअमन सब डिवीजन एडब्ल्यू साहब के दफ्तर मेंडर में हमने एक पुरअमन एक धरना रखा। वो धरना हमने इसलिए रखा है कि आल जे एंड के जो दिवाली पर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने जो पैसा रिलीज किया वो 24 दिन का सबका बन रहा था और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ से लैंड केस वाले प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन और सीपी वर्कर हैं और उन सभी की सैलरी जो है इन्होंने पूरी हमारे मेंडर के लैंड केस वालों की कट करके और इन्होंने जो है उनको ये सैलरी हमारी पूरी करके दिया है। इस सर्दी के दौरान हमारे जो जेई साहब हैं आप उनसे इंक्वायरी कीजिए कि क्या हम रात को दिन में और जहां जहां भी है ये लैंड केस वाले प्रॉपर ड्यूटी कर रहे हैं। इसलिए हमने पुरअमन एक आज धरना रखा और इतिहास और एक मनमंडल हमने तैयार करके एसडीएम साहब को दिया है कि हमारे साथ जिन लोगों ने इस सैलरी के मामले में ना इंसाफी की है हम उसका इंसाफ चाहते हैं और चाहते हैं कि ये हमारे साथ ऐसा तहसील मेंडर के लैंड केस वालों के साथ ऐसा क्यों किया। हमारी ये सरकार से गुजारिश है कि हमारे साथ जो ये इस बार इस सैलरी का सलूक किया गया है इसकी तुरंत इंक्वायरी रख के डिस्ट्रिक्ट तहसील मेंडर से वाइस प्रेसिडेंट पीएचई का आज सबसे पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारी बात को हर बार सरकार तक पहुँचाते हैं। हमारा आज का जो मकसद है मीडिया के सामने आने का, हमारे हम पीएचई के मुलाजम हैं, देखो हमारे साथ नाइंसाफी की गई, जो दिवाली पे पैसा आया था 24 दिन का पैसा आया था सबके लिए और हमारे डिपार्टमेंट वालों ने क्या किया उसमें से डिप्लोमा होल्डर जितने भी हैं प्लम्बर हैं इलेक्ट्रिशियन हैं और सीपी वर्कर हैं उनको दे दिया और सुरनकोट पुंछ वालों को भी दे दिया, जितने भी वो लैंड वाले हैं उनको भी दे दिया सुरनकोट पुंछ और सिर्फ तहसील मेंडर वालों को नहीं दिया है। तो हमें मेंडर वालों को महरूम रखा गया। देखो काम फील्ड पर हम ही करते हैं, इलेक्शन के दौर में जहाँ जहाँ भी स्कूल थे वहाँ वहाँ तक पानी हमारे इन डेलीविजरों ने पहुँचाया और इस बॉर्डर इलाका के रहने वाले हैं हम, जब गोले पड़ते हैं और उस गोलाबारी में भी हम घर घर तक पानी पहुंचाते हैं फिर भी हमारे साथ स्केली माँ वाला सलूक किया जाता है। और हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन्होंने हमारे साथ ये ऐसा किया है उनके साथ उनकी कार्रवाई होनी चाहिए कि यह ऐसा क्यों हुआ है। अगर पैसा आया था पूरे डिवीजन में हर डिस्ट्रिक्ट में मिला है 24 दिन का और हमारे डिस्ट्रिक्ट में 30 दिन का कैसे मिल गया उनको और हमें महरूम रखा गया। ये जो लैंड के हैं इनको महरूम रखा गया और मैं इससे ज़्यादा कुछ न। आज जो हमने पीएचई डिवीज़न मेंडर में हमने धरना रखा और कानूनी तौर पे हमने अपने एसडीएम साहब को भी अपना मेमोरेंडम पेश किया और 5 तारीख तक हमने टाइम दे दिया गवर्नमेंट को। सुरनकोट और पुंछ में देखो लैंड केस वालों को तनख्वाह मिल गई और हमारे मेंडर को महरूम रखा गया। क्यों रखा गया हम इसकी मांग करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए।